I'm am Dr. Amit Bhatnagar working as professor in the department of agronomy at GB Pant University of Agriculture and Technology Pannagar, Uttarakhand what is the primary and secondary productivity in ecosystem and how it is uh, calculated and what is the importance and this type of question are generally asked in examination so it is related to crop ecology chapter and you can watch this uh, video in playlist crop ecology so productivity is very important and when we talk about the ecosystem there are two components living and non-living and in case of living system plants animal insect birds every living thing comes and in non-living soil water solar radiation temperature humidity comes so this productivity is actually is organic matter production or biomass production so when we talk about the living thing uh, plants, animal, etc., and we can divide actually this living in three category: producers, producers, which produce the biomass. That that means plants. And then second category is consumers, consumers means animal, insect, birds, etc. Animals, birds, insects. etc एंड थर्ड इज decomposer decomposer means which विच the material मटेरियल ऑफ दिस animal एनिमल बर्ड्स after आफ्टर डेथ तो डीकम्पोजर जो होते हैं जो प्लांट्स होते हैं एनिमल होते हैं उनकी डेथ का उसको डिकम्पोज करते हैं एंड दीज आर जनरली बैक्टीरिया फंगस एक्टिनाइसिटीज एट्सेट्रा बहुत हैं इसमें सो मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम वी कैन से दिज आर दी सेवरल माइक्रो Organism. so these are the living component and the plants uh, are the primary producer they produce the uh, biomass they produce the organic matter by the process of photosynthesis so by the process of photosynthesis these plants uh, produce the biomass they have photosynthesis process and they produce the organic matter we can say jo co2 ko कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर देते हैं ऑर्गेनिक मैटर दे प्रोड्यूस द ऑर्गेनिक मैटर और इन सिंपल टर्म्स दे प्रोड्यूस द बायोमास सच एज लीव्स स्टेम एट्सेट्रा जो घास हो रही है जो उसमें फोटोसिथेट्स तो हो रहे हैं वो सारा क्या है बायोमास है so, सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ बायोमास इन एको सिस्टम किसी कोई इको सिस्टम लें चाहे फॉरेस्ट है चाहे वो डेजर्ट हो चाहे कोई भी हो चाहे किसी ग्रास लैंड का इकोसिस्टम है सो वट इज द टोटल बायोमास वहाँ कितना बायोमास प्रोड्यूस हुआ है वहाँ कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस हुआ ऑर्गेनिक मैटर आप इसको डेड ऑर्गे मेटर ना समझेंट टू टाइप ऑर्गेमेटर जो प्लांट्स के अंदर प्रोड्यूस हुआ है दट इज ऑर्गिन मैटर एंड वैन दर इज लीव फॉल रूट लाइसिस दट दट इज द डैड ऑर्गेनिक मैटर जब प्लांट्स डाई एंड एनिमल डाई देन इट बिकम डेड ऑर्गेनिक मैटर तो ऑर्गेन मैटर को ये ना समझें कि वो डेड है जो प्लांट्स के अंदर जो फोटोसेंथेट्स बने हैं वेदर इट इज़ अ लिपेड प्रोटीन सुक्रोज कारब्बोहाइड्रेट ग्लूकोज फ्रैक्टोज ऑल दीज आर दर्गनिक मैटर मीन्स विच कंटेंट अ कार्बन इन चेन इज ऑर्गेनिक मैटर सो प्लांट्स हैव फोटोसिथिस प्रोसेस बाय सोलडेशन बाई सियोटू एंड बाई मिनरल्स एंड विद्प ऑफ वाटर एंड इन अ इकोसिस्टम इज ग्रोथ ऑफ ट्री ग्रोथ ऑफ श्रब्स ग्रोथ ऑफ ग्रासिस तो जो प्रोड्यूस हुआ है दैट इज द बायोमासड इन ए डेफिनेट टाइम सपोज इन वन डे इन वन मंथ इन वन ईयर हाउ मच बायोमास इज प्रोड्यूज अब आप पहले बायोमास को समझिए क्या है जो भी लीव तनाव पत्ती जो भी प्रोड्यूज हो रही है किसी एक पर्टिकुलर एरिया में दैट इज द बायोमास और वी कैन से इट इज द ऑर्गेनिक मैटर एंड हाउ मच प्रोडक्शन इज इन वन ईयर हम इसको वन डे भी ले सकते हैं हम इसको वन मंथ भी ले सकते हैं वन वीक भी ले सकते हैं वी कैन टेक इट इज ए वन ईयर तो इन जनरल वी टेक इट इज इन ईयर सो हाउ मच बायोमास प्रोडक्शन इज इन एयर और ए यूनिट टाइम और सिंपली कैन से वी कैन से इट इज ए यूनिट टाइम यूनिट टाइम मे बी वन आवर मे बी वन मिनट अगर बहुत हम देखें बहुत छोटा देख दो मे बी वन सेकेंड लेकिन वन सेकेंड में हम मेजर नहीं कर पाते हैं जनरली हम वन ईयर में देखते हैं इन वन ईयर एंड इन ए यूनिट एरिया इन ए यूनिट एरिया ए ये एरिया मे बी स्क्वायर मीटर कि एक स्क्वायर मीटर में कितनी जो है लीफ प्रोड्यूस हो रही सपोज दिस इज वन स्क्वायर मीटर एरिया 1 meter long, 1 meter width, and these are the grasses are there, trees are there, uh, some shrubs are there. So, how much biomass is produced in 1 square meter area in one year? So, in what is the biomass production in a unit area in a unit time that is called primary productivity. It is called primary productivity. So, primary productivity is due to plants, we can say due to plants, and it it may be a इट कैन बी एक्सप्रेस इज ए किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर पर ईयर मे बी किलोग्राम पर हैक्टर पर ईयर एंड इन टर्म्स ऑफ एनर्जी इट इज किलो जूल किलो सॉरी किलो कैलोरी जूल तो वर्क ही है किलो कैलोरी किलो कैलोरी पर स्क्वायर मीटर पर ईयर दिस इज द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी सो अब यह क्लियर हो गया वट इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द बायोमास प्रोडक्शन रेट इन ए यूनिट एरिया इन ए यूनिट टाइम सो दिस इज द प्रोडक्टिविटी इट इज़ नॉट द प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी इज मेजर्ड इन ए यूनिट टाइम इन ए यूनिट एरिया टोटल प्रोडक्शन इन ए यूनिट टाइम इन ए यूनिट एरिया इज प्रोडक्टिविटी तो हम ये देख रहे हैं कि एक साल में कितने किलो एक स्क्वायर मीटर में एक हेक्टर में कितना किलोग्राम बायोमास प्रोड्यूस हो गया अगर एनर्जी की टर्म्स से देखें तो हाउ मच किलो कैलोरी इज प्रोड्यूस इन वन स्क्वायर मीटर एरिया इन वन ईयर मे बी टेक इट इज अ किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर पर डे मे बी किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर पर मंथ इसको हम कुछ भी ले सकते हैं लेकिन जो इजी होती है जो समझने में इजी हो उसको हम लेते हैं तो जनरली किलोग्राम में लेते हैं या इधर वेट और इन एनर्जी टर्म सो दिस इज़ द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी सो दिस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ड्यू टू दिस प्रोड्यूसर्स ड्यू टू दिस प्लांट्स अब जो भी उसमें लीव पैदा हुई हो चाहे फ्रूट्स हुआ हो चाहे स्टेम uh, हुआ हो चाहे वुड हुआ हो दैट इज़ द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बायोमास प्रोडक्शन So biomass production in a unit area, in a unit time, unit time and unit area, and this is the biomass production or organic matter production. That is the primary productivity. So, how much is happening? But this uh, production, that is the photosynthesis. If a leaf has photosynthesis and produce some sucrose or glucose, and some photosynthesis are used for its growth, for its maintenance. एंड यूज इन रेस्परेशन जब प्लांट्स में फोडोस होती है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं तो उसकी जो ग्रोथ हो रही है जो नई पत्तियाँ निकल रही हैं या जो वो वाटर एब्जॉर््प्शन मिनरल एब्जॉर््प्शन एनर्जी इज रिक्वायर्ड एंड दिस एनर्जी इज जनरेटेड बाय रेस्परेशन सो सम एनर्जी इज़ यूटिलाइज इन द ग्रोथ एंड द मेनटेनेंस बाय अ रेस्परेशन सो प्रोडक्टिविटी इज़ सम वाट रिड्यूज तो जो उसने टोटल बायोमास प्रोडक्शन किया है उसमें से कुछ जो एनर्जी है वो कहाँ यूज हो जाएगी उसके ग्रोथ और मेंटेनेंस में पत्तियाँ नई नई पत्तियाँ निकल नहीं है, नहीं नहीं, रही है नई नई घास उग रही है जड़ों की ग्रोथ हो रही है वाटर एब्जॉर्व कर रहा है मिनरल को ऐब्जॉर्व कर रहा है ऊपर ट्रांसपोर्ट कर रहा है सो दैट्स वाई इफ दर इज अ टोटल प्रोडक्शन दैट इज द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दैट इज द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड द टोटल इज कॉल्ड ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ग्रॉस मीन्स टोटल ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड इट इज नोन एज जी पी पी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी सो अब आपको समझा गया होगा कि ग्रॉस क्या है जो टोटल बना दैट इज़ दी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सम इज़ रिड्यूज सम इज़ यूज इन द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस एंड सम अमाउंट इज़ यूटिलाइज सो सम अमाउंट इज यूज सो दाउ अमाउंट इज समस दैन ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तो वो कुछ कम हो जाएगी और उसको बोलेंगे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एन पी पी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इट इज द प्रोडक्टिविटी आफ्टर द यूज ऑफ सम फोटोसिंथेट्स इन ग्रोथ एंड मेंटेनेंस एंड इट इज यूज्ड इन रेस्पिरेशन तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगी जो जो डिफरेंस है दैट इज़ ड्यू टू रेस्परेशन सो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एन पी पी इज इक्वल टू जी पी पी माइनस फोटोसिंथेट्स यूज इन ग्रोथ एंड मेंटेनेंस मीन्स ग्रोथ एंड मेंटेनेंस बाय रेस्परेशन दैट एनर्जी इज यूटिलाइज बाय रेस्परेशन जब रेस्परेशन होता है तभी वो एनर्जी निकलती है जब हम खाना खाते हैं उस खाने से जो है जो एनर्जी निकलती है वो रेस्परेशन होता है उसमें वो एनर्जी यूज़ होती है सो इट मीन्स वी हैव टू रिड्यूस दिस अमाउंट ऑफ दिस रेस्परेशन दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द एन पी पी एंड जी पी पी सो दिस एन पी पी इज इंपॉर्टेंट हो सकता है कि ग्रॉस uh, बहुत ज्यादा बन जाए दर इज ए ह्यूज अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बट देर इज मोर यूज ऑफ फूड सिंथेट्स इन रेस्परेशन अगर रेस्परेशन रेट बहुत ज्यादा हो गया तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी इफ रेस्परेशन रेट इज लेस दैन एन पी पी इज हाई तो एनपीपी ये बताता है कि कितना बच रहा है तो so, एनपीपी से पता चलता है हाउ मच प्रजेंट विच इज यूज विच इज एवेलेबल फॉर द कंज्यूमर कि कंज्यूमर जो भी हैं हरबी बोर्ड्स हैं कार्निवर्ड जो भी हैं उनके लिए कितना अवेलेबल हो रहा है वो दैट इज डिसाइडेड बाय एन पी पी सो एन पी पी इज द टोटल वी कैन से इट इज द एवेलेबल अमाउंट टोटल अमाउंट तो दैट इज द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्लांट ने कुछ फोटो बनाए दट इज द्रॉस बट सम फोटोसिंथेट्स आर यूज इन इट्स ओन ग्रोथ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लीव फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर दैन द अमाउंट रिमेन इज दैट इज दी एन पी पी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वो प्रोडक्टिविटी है जो अवेलेबल है दूसरों के लिए बाकी तो प्लांट्स ने अपने में कुछ यूज कर ली है जो उसने ग्रॉस बनाया था उसमें से कुछ यूज कर लिया अपने लिए जो बचा दैट इज दी एन पी पी नैट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी देन सपोज दीज आर द ग्रास बायोमास प्रोडक्शन बायोमास प्रोडक्शन एंड दिस इज द एन पी पी सपोज नैट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज देयर एंड देन दिस बायोमास इज यूटिलाइज द कंज्यूमर्स सबसे पहले कौन होंगे हर्बी बोर्ड्स होंगे हर्बी बोर्ड यूज दैन ऑन हरबी बोर्ड एंड दिस ग्रासेस एंड दार्निबोर्ड्स सो कंज्यूमर्स आर देयर हर्बी बोर्ड्स कंज्यूमर्स मे बी हर्बी बोर्ड्स जो घास खाते हैं कार्वोर्स जो केवल मीट खाते हैं फ्लैश लेते हैं एंड दोमनी बोर्ड जो दोनों लेते हैं जो आप घास भी खा लेंगे और किसी जानवर को भी खा लेंगे तो इट मीन्स कंज्यूमर्स आर देयर एनिमल्स बर्ड्स एट्सेट्रा तो एनिमल हैं बर्ड्स हैं ओके एंड देन दिस बायोमास इज ट्रांसफर्ड इन टू कंज्यूमर उन्होंने खाई घास खाया जो कुछ भी खाया और उनसे उनकी बॉडी बनेगी उनका बायोमास प्रोडक्शन होगा हेयर बायोमास प्रोडक्शन इज देयर बायोमास प्रोडक्शन इज देयर फर्दर इन दिस कंज्यूमर एंड देन द एनिमल प्रोड्यूस सम प्रोडक्ट प्रोडक्ट में भी मीट प्रोडक्ट में भी मीट कुछ मीट मिल सकता है कुछ मिल्क मिल सकता है कुछ एग्स मिल सकते हैं फ्लैश मिल सकता है मांस जो है वूल मिल सकती है एंड देन दिस प्रोडक्शन इन यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज ऑप्टेंड फ्रॉम द कंज्यूमर्स मीन्स फ्रॉम द एनिमल्स इन द फॉर्म ऑफ देयर प्रोडक्ट बहुत कॉमन प्रोडक्ट जो मिल्क है मीट है एग है सो so, किसी एरिया में किसी इकोसिस्टम में जो बायोमास प्रोड्यूस हो रहा है वो दैट इज़ दिस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी अब जो घास खा करके मान लीजिए घास दैट ग्रास इज इटन बाई ए डियर एंड डियर इज इटन बाय अ लॉइंट तो जो ग्रास ने प्रोड्यूस किया दैट बायोमास इज़ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दैन डियर इट uh, this grass and produce its biomass produce its growth there is a meat there is a flesh inside the body of deer and that flesh is available to the lion the lion is protect karega use khayega to so meat milega us deer ka us hiran ka to hiran ke andar jo meat bana was that is the secondary productivity इसी तरह से घास खाती है grass is eaten by cow and cow gives the milk। और जो जितना दूध मिला गाय से

अब आप समझ गए होंगे दैट इज फ्रॉम द प्लांट्स एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी फ्रॉम द एनिमल्स एंड बट दिस एन पी पी इज एवेलेबल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज एवेलेबल टू द कंज्यूमर दिस इज इंपॉर्टेंट नॉट द जीपीपी जो ग्रॉस बना एंड समथिंग इज एवेलेबल टू द प्लांट यूटिलाइज बाय द प्लांट फॉर इट सेल्फ ग्रोथ एंड रिमेनिंग दैट इज अवेलेबल टू कंज्यूमर इज एन पी पी तो एनपीपी इज अवेलेबल फॉर नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल तो जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होना वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल के लिए अवेलेबल है एंड जो इसमें कंज्यूम किया अब ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल के कंज्यूमर हैं उसको सेकेंड लेवल के ट्रॉफिक लेवल के कंज्यूमर ने यूज किया थर्ड ने यूज किया तो उससे कुछ भी हमें मिल रहा है चाहे फ्लैश मिले चाहे मीट मिले चाहे ऊल मिले दैट इज दी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज मेनली बाय एनिमल बर्ड्स एटसेट्रा सो दिस इज दी प्रोडक्टिविटी ऑफ इको सिस्टम इफ इको सिस्टम इज स्टेबल इको सिस्टम एंड देर इज हाई प्रोडक्टिविटी इट मीनस देर इज मोर ट्रीज मोर ग्रासेज मोर एनिमल मोर बर्ड्स वहाँ की अगर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है तो इसका मतलब वहाँ बायो जो लिविंग थिंग्स हैं बहुत ज़्यादा है क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि जो लिविंग कंपोनेंट है इट कंसिस्ट ऑफ प्लांट्स इफ़ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज हाई इट मीन्स देर इज़ मोर ग्रोथ ऑफ प्लान्टफ सेकेंडरी ग्रोथ इज हाई मोर इट मीन्स देर इज मोर एनिमल मोर बर्ड्स मोर इंसेक्ट्स तो जो हमको दूसरे एनिमल से बर्ड से मिल रहा है दैट इज़ दी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी सो इन्हें हाई प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम

ज़्यादा होगी सो दिस इज दी प्रोडक्टिविटी ऑफ इको सिस्टम थैंक यू वेरी मच